दोस्तों लुसेंट राजस्थान जीके क्यूज के स्टूडियो में आपका वेलकम है। तो आज डिस्कस किए जाएंगे इंपॉर्टेंट राजस्थान जीके क्वेश्चन और सभी के आपको आंसर देने हैं विद इन 5 सेकंड में कमेंट के माध्यम से। अगर आप 5 सेकंड में आंसर नहीं दे पाते तो उन सभी के आंसर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभ्यारण बह बर्ड पक्षी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए है गजनेर अभ्यारण, ऑप्शन नंबर बी है जयसंबंध अभ्यारण, ऑप्शन नंबर सी है बंद बरेठा अभ्यारण, ऑप्शन नंबर डी है बस्सी अभ्यारण। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो गजनेर जो अभ्यारण है वो फेमस है वह बर्ड पक्षी जिसे हम इंपीरियल पक्षी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पर है। तो ऑप्शन ए है पहले, ऑप्शन बी है दूसरे, ऑप्शन सी है तीसरे, ऑप्शन डी है चौथे। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहले स्थान पर है राजस्थान मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा वृक्ष जो धर्म ग्रंथों में शमी और स्थानीय भाषा में जाटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है केर, ऑप्शन नंबर बी है बबूल, ऑप्शन नंबर सी है खेजड़ी, ऑप्शन नंबर डी है झरबेरी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो खेजड़ी का वृक्ष है उसे बोलते हैं शमी वृक्ष या स्थानीय भाषा में जाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी द्वारा उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा में वनों को काटकर भूमि को किस प्रकार की कृषि के योग्य बनाया जाता है। ऑप्शन ए है मिश्रित कृषि, ऑप्शन बी है वालरा कृषि, ऑप्शन सी है संघन कृषि, ऑप्शन डी है गहन कृषि। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो वालरा कृषि है वो कृषि होती है जब किसी क्षेत्र में वनों को काटकर उसे खेती योग्य बनाया जाता है। तो इस प्रकार की खेती उदयपुर डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य रूप से चिंकारों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है नारगढ़ अभ्यारण, ऑप्शन नंबर बी है गजनेर अभ्यारण, ऑप्शन नंबर सी है बस्सी अभ्यारण, ऑप्शन नंबर डी है शेरगढ़ अभ्यारण। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो नारगढ़ अभ्यारण है वो फेमस है चिंकारों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर ए है 1938 में, ऑप्शन नंबर बी है 1926 में, ऑप्शन नंबर सी है 1939 में, ऑप्शन नंबर डी है 1935 में। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1938 में हुई थी मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल के विकास को रोकने के लिए सरकार ने 1991 में एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया था, उसका क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेशन खेजड़ा, ऑप्शन नंबर बी है ऑपरेशन जलड नाइट, ऑप्शन नंबर सी है ऑपरेशन स्माइल्स, ऑप्शन नंबर डी है ऑपरेशन जलधारा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है। ऑपरेशन खेजड़ा नामक जो कार्यक्रम था वो प्रारंभ किया था मरु विकास को, जो मरुस्थल जो हमारे देश में बढ़ रहा है उसे रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा जिला है जो वन संपदा में धनी है। ऑप्शन नंबर ए है अजमेर, ऑप्शन नंबर बी है पाली, ऑप्शन नंबर सी है बाड़मेर, ऑप्शन नंबर डी है उदयपुर। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो उदयपुर जो जिला है वो वन संपदा का
धनी है, मतलब राजस्थान राज्य के अंदर सबसे ज्यादा वन क्षेत्र उदयपुर जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, काले हिरणों के संरक्षण के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर बी है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षण के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर सी है मरु उद्यान, जीवाश्म शेषों के संरक्षण के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर डी है अमृता देवी कृष्ण मर्ग पार्क, प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए फेमस है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मरु उद्यान जीवाश्म शेषों के संरक्षण के लिए उपयुक्त है, ये जोड़ा बिल्कुल सही है। इसके अलावा रणथंभौर, केला देवी और अमृता देवी, ये तीनों जोड़े गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा उम्मेद मिल्स की स्थापना 1942 में किस नगर में की गई? ऑप्शन नंबर ए है पाली में, ऑप्शन नंबर बी है किशनगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर में, ऑप्शन नंबर डी है भीलवाड़ा में। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पाली जो जिला है उसमें की गई थी उम्मेद, महाराजा उम्मेद मिल्स की स्थापना 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागवान के वन सबसे अधिक किस जिले में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर डी है कोटा। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बांसवाड़ा जिले के अंदर पाए जाते हैं सबसे अधिक सागवान के वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जगह हाथ के बने कागज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी है श्री गंगानगर, ऑप्शन नंबर सी है कोटा, ऑप्शन नंबर डी है सांगानेर। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो सांगानेर जो जगह है वो फेमस है हाथ से बने कागज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में काला पत्थर कहाँ से निकलता है? ऑप्शन नंबर ए है बेसलाना में, ऑप्शन नंबर बी है मकराना में, ऑप्शन नंबर सी है कोटा में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बेसलाना क्षेत्र में निकलता है काला पत्थर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ की किस नस्ल गलीचा ऊन के लिए उत्तम मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है जैसलमेरी, ऑप्शन नंबर बी है चोकला, ऑप्शन नंबर सी है मगरा, ऑप्शन नंबर डी है पूगल। उसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो जैसलमेरी नस्ल की जो भेड़ है वो गलीचा ऊन के लिए उत्तम मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल के लिए उपयुक्त फसल चक्र निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है गेहूं कपास, ऑप्शन नंबर बी है ज्वार मूंग चना, ऑप्शन नंबर सी है बाजरा सरसों, ऑप्शन नंबर डी है मोट बाजरा चावल। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोट बाजरा और चावल है खरीफ की फसल के लिए उपयुक्त चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है मोर के लिए, ऑप्शन नंबर बी है बाघ के लिए, ऑप्शन नंबर सी है प्रवासी पक्षी के लिए, ऑप्शन नंबर डी है काले हिरण के लिए। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रवासी पक्षी के लिए फेमस है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल घड़ियाल अभयारण्य तीन राज्यों का सम्मिलित रूप से स्थापित किया गया है, जिसमें दो राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश है, तो तीसरा राज्य कौन सा है? मतलब चंबल
घड़ियाल जो अभयारण्य है वो 3 राज्यों की योजना थी, जिसमें से 2 जिले हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश, तो तीसरे जिले का हमें नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब, ऑप्शन नंबर डी है हरियाणा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश शामिल है इसमें, मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों ने मिलकर चंबल घड़ियाल अभयारण्य का स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस मिट्टी का लाल रंग होता है जिसमें फॉस्फोरिक अम्ल, चूना और ह्यूमस की कमी होती है वह है। ऑप्शन नंबर ए है कछारी मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी है लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी है लाल रेतीली मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लाल पीली मिट्टी होती है जिसका रंग तो लाल होता है और फास्फोरस अम्ल, चूना और ह्यूमस की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुद्यान जैसलमेर की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सागवान वन, ऑप्शन नंबर बी है बरगद के विशाल वृक्ष, ऑप्शन नंबर सी है साइबेरियन क्रेन, ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रीय पक्षी गोडावन। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी गोडावन के लिए फेमस है मरु उद्यान जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंदू पत्ता है जिससे बीड़ी का निर्माण होता है, बीड़ी किससे बनती है? अगर एग्जाम में आ जाए तो हमें तेंदू पत्ते पे क्लिक करना है। यह वृक्ष मुख्यतः राजस्थान के किस जिले में होता है? ऑप्शन नंबर ए है झालावाड़, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी है बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब झालावाड़, उदयपुर और बांसवाड़ा, इन 3 जिलों के अंदर होता है तेंदू नामक पत्ता जो कि बीड़ी बनाने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसका आकार पतंग के आकार का है और पूर्वी और पश्चिमी भाग से अंदर की ओर झुका हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है सवाई माधोपुर, ऑप्शन नंबर बी है बूंदी, ऑप्शन नंबर सी है टोंक, ऑप्शन नंबर डी है कोटा। उसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो टोंक जो जिला है वो पतंग के आकार का है और पूर्वी और पश्चिमी भाग से कुछ अंदर झुका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी पर मेजा बांध का निर्माण हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है मानसी नदी, ऑप्शन नंबर बी है पार्वती नदी, ऑप्शन नंबर सी है खारी नदी, ऑप्शन नंबर डी है कोठारी नदी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो कोठारी नदी है उस पर बना हुआ है मेजा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 दिसंबर 1919 में स्थापित राजस्थान मध्य सभा का प्रधान कार्यालय किस जगह स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है बांसवाड़ा में, ऑप्शन नंबर बी है धौलपुर में, ऑप्शन नंबर सी है आमेर में, ऑप्शन नंबर डी है सांगानेर में। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आमेर में स्थापित किया गया था राजस्थान मध्य सभा का प्रधान कार्यालय 23 दिसंबर 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़मेर और दक्षिणी जैसलमेर तथा पश्चिमी जोधपुर पशुधन के किस वितरण क्षेत्र में आते हैं? ऑप्शन नंबर ए है राठी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी है थार पारकर क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है मेवात क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी है रत क्षेत्र। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थार पारकर क्षेत्र के अंदर आते हैं बाड़मेर, दक्षिणी जैसलमेर और पश्चिमी जोधपुर, ये तीनों क्षेत्र पशुधन के क्षेत्र में
थार पार्कर क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है करौली में, ऑप्शन नंबर बी है सवाई माधोपुर में, ऑप्शन नंबर सी है धौलपुर में, ऑप्शन नंबर डी है भरतपुर में। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की खाद्यान्न फसलों में कौन सा खाद्यान्न सबसे अधिक उत्पादित होता है? ऑप्शन नंबर ए है ज्वार, ऑप्शन नंबर बी है बाजरा, ऑप्शन नंबर सी है मक्का, ऑप्शन नंबर डी है जो। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो बाजरा फसल है वो सबसे ज्यादा उत्पादित होती है खाद्यान्न फसलों में राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री राजस्थान के किस राज्य के राजकुमार के प्रेम पाश में बंध गई थी? ऑप्शन नंबर ए है मेवाड़, ऑप्शन नंबर बी है मारवाड़, ऑप्शन नंबर सी है जालौर, ऑप्शन नंबर डी है आमेर। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो जालौर का जो राजकुमार था उसके प्रेम प्रसंग में बन गई थी अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर पर चित्र गुदवाने का अधिकतर प्रथा निम्न में से किस जाति में प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ए है ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी है जैन, ऑप्शन नंबर सी है भील, ऑप्शन नंबर डी है राजपूत। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भील जो जाति के लोग हैं वो अपने शरीर पर चित्र गुदवाने में ज्यादा यूज करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जाति स्वयं को राणा प्रताप की प्रतिज्ञा में बंधा हुआ मानकर खाना बदोश जीवन व्यतीत करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है भील, ऑप्शन नंबर बी है गाड़िया लोहार, ऑप्शन नंबर सी है डामोर, ऑप्शन नंबर डी है गरासिया। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाड़िया लोहार जो जनजाति के लोग हैं वो खाना बदोश जीवन व्यतीत करते हैं, मतलब अपना घर नहीं बनाते और गाड़ियां जो होती है उनके पास में उसी में वो रहते हैं, उसी पे परिवहन करते हैं। तो ये किसके कारण होते हैं? राणा प्रताप की प्रतिज्ञा में बंधा हुआ मानकर वो ऐसी गाड़ियां लोहार जाति के लोग ऐसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना मुख्य बल निम्नलिखित में से किस पर है? ऑप्शन नंबर ए है ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता निवारकरण, ऑप्शन नंबर बी है ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी कर रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन, ऑप्शन नंबर सी है शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन, ऑप्शन नंबर डी है ग्रामीण युवकों को रोजगार के लिए प्रशिक्षण। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी कर रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन करना है जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और उन सभी दोस्तों को बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने इस वीडियो के अंदर पार्टिसिपेट किया और सभी क्वेश्चन के सही आंसर दिए। तो दोस्तों इसी तरह के और भी आप वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो नीचे जाके स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें।